सरप्राइज सा गिफ्ट मिला है मुझे, और कोई मतलब नहीं थैंक यू सो मच। भैया, थैंक यू जीजू, सॉरी। हमारा रिश्ता ही ऐसा ही है, हमें समझ में नहीं मैं आता है। मैं पता इनको नहीं दीदी कभी बोलता भैया हूँ, बोलूं ये कभी मुझे भैया जीजू बोलते हैं, जीजू। बोलूं। वेलकम टू बैक माय चैनल रूप एनी ऑसम व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर के 3:25 थी और मैंने आज भी मेरा फास्ट है, तो जस्ट मेरा व्रत व्रत की थी और ये गए थे अभी जस्ट मतलब गए थे सिवान, कुछ काम था इसके वजह से। तो जस्ट मार्केट से आए हैं तो एक तरबूज लेके आए थे और बनाना लेके आए थे, जस्ट मैंने एक खाया और ऐसे ही 3 पड़े हैं। तो बोलते हैं ना, जब बच्चे घर में नहीं रहते तो सामान भी मतलब खाने पीने वाला ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना तो बच्चे खुद खा लेते हैं इसलिए। तो कोई नहीं, चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये आ चुके हैं और जो बाहर का सीमेंट बालू का काम चल रहा था ना, आप लोग मैं दिखाती हूँ। तो सो धुलाई कर रहे थे ये, क्योंकि जो किचन बन रहा था वो थोड़ा सीमेंट बालू ज़्यादा फैल गया था मतलब बरंडा में, इसकी वजह से साफ। गाइस ये है मेरा छोटू सा रूम, जो कि मैंने इसको बहुत प्यार से सजाया हुआ है, आप समझ सकते हो। और वो जो फोटो है ना, ये जो तो ये मेरी शादी से पहले का फोटो है जो कि इन्होंने मतलब साफ कराया था, ठीक है। और इधर मैंने गोदरेज लगा रखा है और इधर सोफा है, ये सब कुछ साड़ी कपड़े होते हैं, आपको पता है ना। जब वीडियो बनाना होता है थोड़ा बहुत पहनती हूँ, फिर यहीं पे फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे रही मैं, आज मैंने येलो सूट पहना हुआ जो इन्होंने गिफ्ट में दिया था ना, वो वही सूट है। तो कैसा लगा बताइए गजरम। और वहाँ पे है आपके फौजी साहब, ठीक है। तो ये है मेरा छोटू सा रूम, कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। सो गाइस, तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ पनीर की सब्जी बनाने और रोटी और चावल। तो पनीर की सब्जी क्यों बन रही वो भी बता दूँ, क्योंकि आज तो मेरा फ्राइडे है तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ। तो आज मेरे घर में पंकज भैया और निशा जी आ रही हैं, तो ससुराल में मतलब फर्स्ट टाइम आ रही हैं, ठीक है। अचानक से प्लान हुआ क्योंकि इनको यहाँ आ जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। अचानक से मतलब जीजू से बोली मैं कि मतलब जीजू अब आ जाओ, और पता है मेरे मेरे मुंह से ना बार बार ना भैया भैया निकलता है, आपको पता है ना, कि जैसे हमारे आसपास में जो लोग होते हैं उन्हें भी भैया बोलते हैं, तो मुझे वैसे ही आदत पड़ गई। लेकिन मुझे जीजू बहुत अच्छा लगता है बोलना, तो वैसे तो मैं जीजू बोल के ही बात करती हूँ फ़ोन पर, लेकिन कभी कभी भैया निकल जाता है, पंकज भैया पंकज भैया। तो चलिए कोई नहीं, देखो पता है मतलब बातों से नहीं, मतलब बोलते नहीं, कोई नाम देने से कुछ नहीं होता है, अपने दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं मैंने सही बोला ना, अगर सही बोला तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। नाम से और बोलते नाम धन दौलत ये सब कुछ चीज मायने नहीं होता है, सबसे पहले हमें दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं सो तो मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, और लहसुन छील के और रिचा मेरे साथ में हेल्प करेगी, आटा गूंथना है। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, सोचा क्यों नहीं सिंपल सी रोटी और पनीर की सब्जी, और साथ में थोड़ा सा चावल भी बना दूंगी, अगर जीजू खाएंगे तो चावल अच्छा लगेगा हमें भी। और देखते हैं शाम के टाइम, वैसे तो हो चुका है शाम के, बज चुके हैं 5 और मैं थोड़ा सा रेडी भी हो चुकी हूँ, कैसा लगा बताइएगा मेरा लुक। और आज मैंने बिच्छी मांग भी वैसे फाड़ रखा है। सो चलिए कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं कुछ देर बाद, और मैं यहाँ पे पहले लहसुन छील लूँ, उसके बाद देखें। और किचन थोड़ा सा अंधेरा है और न्यू किचन बन रहा है, वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत काम स्लो चल रहा है लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पे बिल्लू है जो पूरे दिन गेम में लगे रहते हैं, पूरे दिन गेम में, ठीक है। और ये रहा न्यू किचन, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके। अभी जस्ट ड्राइंग रूम ढलाई हुआ है, प्लास्टर बाकी है और खिड़की लगना बाकी है और दरवाजा लगना बाकी है, तो ये भी धीरे धीरे हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आप लोग बने रहिए, आप ब्लॉग को खूब सारा प्यार खूब सारा सपोर्ट दीजिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से शायद पंकज जीजू और निशा जी आ जाए तब, ठीक है। कब से नाई भी आई है, आई आई जीजू, नमस्ते। तो आ चुके हैं प्रेम जीजू और पंकज जीजू, सॉरी। और यहाँ पे है ओम भैया भी आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे घर,
सो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा प्यार दीजिए, ठीक है। तो हमारे सामने कोई ना क्या बोलते हैं, हम तो है ही ओम भैया भाई स्टार अब होने वाले, इनके जो उस पे 7 लाख फैंस हो चुके हैं। सो चलिए हाँ चलिए स्टार है। अब भैया की तो मैं वीडियो देखती थी क्योंकि थोड़ा सा ना हाँ हाँ क्या हुआ, मैंने देखी थी भैया का। चलिए बढ़िया है भैया, नाश्ता कीजिए। उम्मीद अभी मस्त कुछ नाम भी मस्त, मैंने बोला ना अरे नाम हटा पहले, ऑफिशियल बड़ा है बहुत खतरनाक है। अब हो चुका है पंकज जीजू का और ओम भैया का डिनर का टाइम, और डिनर में बस सिंपल सी रोटी और पनीर की सब्जी और सलाद है, वही है तो टाइम हो ही गया। तो बस अब जीजू पहले खाना खा ले, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। 9 बजने वाला है, बात करते पता पता भी है हम लोग ना पूरे दिन निकल जाएगा लेकिन बात खत्म नहीं होगा। और रानी जी के साथ सच में यार बहुत मन लगा आज, बहुत ही तो भाई पेटू मल ये हमारे सारे साहब भाई पेटू नहीं भाई क्या बोलते सुपर स्टार है हमारे लिए, कोई स्टार नहीं, हम लोग सब सब सेम है, बहुत ही प्यारा सरप्राइज सा गिफ्ट मिला है मुझे और थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सॉरी हमारा रिश्ता ही ऐसा ही है, हमें समझ में नहीं आता, मैं इनको दीदी बोलता हूँ, ये मुझे भैया बोलते हैं, जीजू बोलते हैं, मैं इनको कभी सर बोलता हूँ, कभी जैन बोल देता हूँ, बस ऐसी अपना रिश्ता है, प्यार बना रहा है बस गाइस, नजर ना लगे किसी की, नजर ना मिले। और बहुत ही प्यारा सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए, जो भैया नहीं है हमारे एक जो रिश्ता बना रहा है वही काफी है हमारे लिए, बस ये प्यार को किसी को नजर ना लगे, बस बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है। और कल गाइस धमाकेदार और बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग कमेंट करें क्योंकि रूपरानी दीदी कमेंट का रिप्लाई भी करती हैं, प्लीज और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो क्योंकि आपका एक कमेंट आता है ना और आप देखते हो तो वो हमें उससे बहुत बिलीव मिलता है, खुशी भी मिलता है, बस हमें इतना सारा सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, बस आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहे, ओके गाइस। और बाकी हमारे ओम भैया तो बैठे ये बॉस हैं, इनको आप हल्के में ना लीजिए, ये अभी मिलियन पार करने वाले हैं तुरंत ही जोश ऐप पे, तो भाई ये भी एक भोजपुरिया स्वैग है इनका अलग ही। तो बस आप लोग ऐसे हम सभी को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और आशा करते कि हमारा आपको प्यारा सा ब्लॉग ये अच्छा भी लगेगा, बस ऐसी प्यार सपोर्ट करते रहिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले नहीं, और जो भी आपके मतलब जो भी आपके हो ना मतलब फ्रेंड्स या जो भी है सभी को प्लीज बताइए कि गाइस बस प्यार देते रहिए और कुछ भी नहीं। जोर जोर वीडियो में सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, अरे सही में निकल गया हूँ, आप आ जाइए। हाँ तो मतलब निकल गया हूँ, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा बस निकल गया, चलते हैं फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में, बस आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए और प्यार और सपोर्ट करते रहिए हमें भी, पंकज जीजू को भी, और ओ भाई यूट्यूब से सन्यासी शॉर्ट वीडियो का नहीं बनाते, शॉर्ट शॉर्ट्स के हीरो हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए पंकज। सो गाइस तो फाइनली पंकज जीजू जा रहे हैं और यहाँ पे बालू रखा हुआ था ना इसकी वजह से, पंकज जी जो ये बताइए स्कूटी यहाँ पे कैसे सब चलती है रोडवा पे, ठीक है जी जो बाय 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 बाय। सो गाइस तो फाइनली पंकज जी जो चले गए और ये रहे आपके जीजू, यानी कि आपके जीजू, मेरे जीजू चले गए और ये आपकी जीजू है, ये जीजू इतने स्ट्रिक है, कभी हाय भी नहीं बोलते यार, बोल दिया करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। सो